इंदौर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है, उसने 30 दिन के अंदर संबंधित विभागों के मंत्रियों के साथ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं किशोर कोडवानी, उनकी मांग को लेकर उन्हें साथ में लेकर एक बैठक करने के निर्देश दिए हैं। और जो समस्याएं उन्होंने उठाई थी उसके निराकरण की बात कही थी, कही है इस ऑर्डर में। हम बात करते हैं किशोर कोडवानी जी से। किशोर जी, क्या मुद्दे उठाए थे और क्या ऑर्डर आया है? 5 प्रमुख इंदौर की समस्याएँ: जामनगर ट्रैफिक जाम का शहर, इंदौर की बिगड़ती आबोहवा, पानी की दुर्गति और मोहल्ला समिति, ये 5 बिंदुओं को लेकर ये याचिका लगी थी, जिसका अभिवेदन सुनवाई के लिए मैंने आवेदन किया था, जिस पर 20 माह बाद आज आदेश हुआ है कि 30 दिन के अंदर राज्य सरकार और जिला प्रशासन मिलकर जिला योजना समिति, जो सरकार का एक छोटी इकाई मानी गई है, संबंधित विभाग के मंत्री और अधिकारी उस अभिवेदन पर सुनवाई करेंगे। सुनवाई उपरांत जो क्रियान्वयन किया गया या जो क्रियान्वयन हर्डल है या जो निर्णय नहीं हुए, वो पालन प्रतिवेदन के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। आपकी नज़र में क्या ट्रैफिक में क्या दिक्कत आ रही है? ट्रैफिक मूलभूत 3 ई माने गए हैं। पहला इंजीनियरिंग, जिसका 60% भागीदारी होती है। सन 1982 में मैं आमरण अनशन पर बैठा था, 10 साल तक वो ट्रैफिक इंजीनियरिंग सेल चला और पिछले 10 साल से मीटिंग तक नहीं हुई है उसकी। जो सबसे बड़ा पार्ट है वो उसका, जब मीटिंग ही नहीं हो रही है तो आप क्रियान्वयन क्या कर लो? समस्या क्या है ट्रैफिक में? 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सर्वाधिक वाहन संख्या इंदौर में है, चूंकि लोक परिवहन इंदौर का असफल है। दूसरा, रोडों की जो विड्थ बढ़ाई जा रही है उसकी जगह घनत्व पर ध्यान देना पड़ेगा। इंदौर के 16 वार्ड हैं जो 1 लाख से 2 लाख के बीच की जनसंख्या पर स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि अकॉर्डिंग लॉ 10,000 की जनसंख्या होना चाहिए। तो आप जब घनत्व 20 गुना और 10 गुना कर जाओगे तो वाहन का घनत्व भी बढ़ेगा। डिज़ाइन जब रोड की होती है तो वो घनत्व 10,000 के हिसाब से होती है, अब उसका 10 गुना और 20 गुना जनसंख्या होगी तो वाहन दबाव भी उस हिसाब से होगा। इसलिए इसका हल जिधर हम ढूंढ रहे हैं उधर नहीं है, जिधर समस्या है उधर ध्यान नहीं दे रहे। क्या है आपके पास समस्या का समाधान? डायल्यूट करना पड़ेगा जो घनत्व जहाँ जहाँ ज़्यादा है। उदाहरण के लिए एक छोटा सा मैं आपके सामने रखता हूँ, जहाँ मैं आपसे खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, आपके पीठ के पीछे एक क्षेत्र है दौलतगंज और नॉर्थ तोड़ा साउथ तोड़ा। यदि अब ये इतना डेंस हो गया है और इसकी एक्सपांशन भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि वहाँ आप यदि घटना घट जाए तो एक मेजिक एम्बुलेंस भी अंदर नहीं ले जा सकते, इसका मतलब उनके जीवन के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आइडिया क्यों नहीं स्कीम बनाकर 1 मील की या 2 मील की जमीन लेकर इनको वहाँ विस्थापित कर दे और कंस्ट्रक्टेड करके दे, जितनी जिसके पास जगह है उतनी कंस्ट्रक्शन करके दे दे, तो 3,000 रुपये G+2 की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी, 5,000 रुपये तक की कलेक्टर की गाइडलाइन का पैसा आएगा और ये दोनों मिलाकर 7-8 हज़ार होता है, 2,000 डेवलपमेंट का। पानी को लेकर सभी दूर ऐसी मूर्खता है, अध्ययन नहीं है, जनसंख्या का गणना बराबर नहीं है, पाइपलाइन सिस्टम गलत तरीके से डाल देते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। इसीलिए ये ऑर्डर करवाना पड़ा कि मेरे जनप्रतिनिधि भी समझें कि विभाग क्या गलतियाँ कर रहे हैं, क्यों हम सजा भोग रहे हैं, क्यों राजनेता रोज़ गालियाँ खा रहे हैं पब्लिक की, क्योंकि वो इंजीनियर नहीं है, वो अध्ययन कर नहीं सकते इन चीज़ों का, उनकी दुनिया राजनीति है, अध्ययन की दुनिया नहीं है। तो क्या लगता है हाई कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ है उसके बाद अब जो आपकी सलाह है उन पर अमल होगा, क्योंकि सलाह तो आप पहले भी देते रहे? नहीं, सलाह देखो नहीं मानेंगे तो कोर्ट फिर खुली है, मैं क्या कर सकता हूँ भाई? मैं सरकार नहीं, चुना हुआ जनप्रतिनिधि, किसी डिपार्टमेंट का मैं अधिकारी नहीं, मेरे पास एक ही चीज़ है, अध्ययन, आम आवाम की जो स्थिति है उसका बेसिक बैकग्राउंड और न्यायपालिका, तो मैं इसी दुनिया में काम करता हूँ। ये थे हमारे साथ किशोर कोडवानी जी, जिनका साफ कहना है कि शहर के लिए, शहर की जनता के लिए जो है वो विभिन्न मुद्दे उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी, जनप्रतिनिधि उनके प्लान को नहीं समझे, तो वो एक बार फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे।